भाई गांव वाले भी पता नहीं कहां से आ रहे हैं अभी। ये परकंडी गांव है भाई, यहां तक और ऊपर जो जंगलों में धार पे जो गांव दिखाई दे रहा है। और यह भाई बारात घर, यहां पे देखो वहां पे चेयर लगी हुई है। अच्छा तो वह भाई साहब को भूख लग गई है और पूछ रहे हैं कि खाना बना कि नहीं बना। और ये हमारी दीदी जी हैं और भाई हमारे लिए यहाँ पे खाना रख रहे हैं भाई। और भाई इतना अच्छा खाना खिला रहे हैं हमें दीदी यहाँ पे। और मुझे अभी जो खाना खा के निकलना है। और माँ प्रणाम। हाँ अरे चाची है भाई, चाय बना। ये मेरी कितली है भाई। अरे मैं जो है चाय बनाने के लिए ले जा रहा हूँ भाई। भाई कोई भी क्षेत्र हो या कोई भी गांव हो, उस गांव का ढांचा, उस गांव का विकास भाई उस गांव की पहचान बताता है, उस गांव के लोगों की पहचान बताता है कि किस प्रकार से भाई वहां के लोग रहते हैं। भाई जो गांव विकसित है, जिस गांव के बीचों बीच सड़क है, पक्की सड़क है, जिस गांव के आगे प्रवेश द्वार बना हुआ है और छोटी बड़ी सारी फैसिलिटीज पूरी हैं, सोलर प्लेट रस्तों में लगी हुई हैं, गलियों में लगी हुई हैं, तो भाई इससे पता चलता है कि उस गांव के लोग कितना एकता में विश्वास रखते हैं और कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे का साथ निभाते हैं, कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं। और भाई पढ़े लिखे और समझदार हैं, तो भाई तभी जाके गांव का विकास भी होता है। तो फिलहाल हम चलते हैं भाई ऊपर गांव में। तो भाई ऊपर गांव में चलते हैं और यहां देखिए भाई जो ये रास्ते हैं इनमें भी टाइल पत्थर लगी हुई है, ये देख सकते हैं। और हमारे गाँव में भाई अभी तक सीमेंट भी नहीं लगा हुआ है रस्तों में। और यहाँ भी देखो सारे रस्तों में पत्थर ही पत्थर और कंक्रीट ही कंक्रीट है। और जो बजट सजट आता है भाई वहाँ का सारा बजट सभा चट कर दिया जाता है और रस्ते फिर वैसे ही बन जाते हैं जैसे कि पहले से। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी भाई गांव वाले भी पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं अभी। चलो यहाँ भी हल हुल लगा दिया भाई इन्होंने, जहाँ हमें जाना है वो भाई थोड़े ही ऊपर उनका मकान है। और यहाँ भाई देख सकते हैं खेतों में भाई जाली भी लगी हुई है, कंटेले तार होने चाहिए ना, इतने कंटेले तार नहीं है इससे बंदर लटक जाते हैं। और बंदर अभी यहाँ ऊपर पेड़ों में कूद रहे हैं भाई, ये देख सकते हैं आप। हर घर के हर मकान पे गेट बने हुए हैं भाई, सारा रास्ता आप देख लो भाई, पूरा रास्ता पक्का रास्ता है। और ये दोबारा इतने आसानी से टूटने वाला नहीं भाई, ये देखो ये टाइल पत्थर। ये गौशाला है। हाँ ये गौशाला है, भैंस बनती है। ये पठाल होंगी। हाँ ये पठाल है। पुराने जमाने का मकान भी है अभी। हाँ बड़ी बड़ी पठाल है भाई यहाँ पे, हमारे यहाँ तो छोटी छोटी पठाल होती है। हमें इस तरफ जाना है ना। इस तरफ घर है यहाँ आने वाला बारात घर। ये नीचे क्या है बारात घर? हाँ। और बंदर भाई छतों में लटक रहे हैं यहाँ। रास्ते देख लो भाई कितने शानदार रास्ते हैं। और यह भाई बारात घर, यहाँ पे देखो वहाँ पे चेयर लगी हुई है जैसे कि हॉस्पिटल में लगी रहती हैं, बैंकों में लगी रहती है भाई। अच्छा तो वह पानी पीते हैं भाई यहाँ पे। यहाँ गलियां ही गलियां हैं भाई, यहाँ दो तीन बार आएगा आदमी तब जाके भाई ये रास्ते पहचान में आएंगे। यहाँ जहाँ देखो घर ऐसे, चलो भाई। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं ठीक अपने ठिकाने पे। एक बुआ जी की लड़की खत्म हो गई थी ना, तो उनके घर हम पछतावे के लिए भी जा रहे हैं। और भाई
बाकी भाई साहब का यहाँ पे ससुराल भी है तो उनके घर भी जाएंगे। गलियां ही गलियां भाई, पहचान में नहीं आ रही। उन बुआ जी का घर उस तरफ है और जिनके घर हम अभी फिलहाल जा रहे हैं भाई साहब के ससुराल, उनका घर भी ये रास्ते में ही है। भाई साहब को भूख लग गई है और पूछ रहे हैं कि खाना बना कि नहीं बना। कि बोना ये भाई, भाई साहब का ससुराल, वो दीदी जी उधर होंगे। घर में सिर्फ वो दीदी रहते हैं। ये मेरे बुआ जी के लड़के हैं और इनका ससुराल बिरों गांव में है। और ये है भाई उनका घर, और एक भाई उनका कुत्ता है उनके साथ, और वो दीदी जी रहती हैं भाई गांव में। बाकी उनके बच्चे और पति देव हिमाचल में रहते हैं। अब वो हमारे लिए पानी लेके आएंगे। और फिलहाल भाई साहब पहुंच गए हम, ब्लॉग बनाते बनाते और हम यहाँ पे खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद तो वहाँ पे जाएंगे बुआ जी के घर पे, और उनकी जो लड़की ख़त्म हुई है उनका पछतावा भी करेंगे भाई। भाई बिरों गांव आने का मेरा मेन मकसद ये था कि मुझे यहाँ पर पछतावा देने के लिए आना था। यहाँ पर हमारे गांव की बुआ जी है और उनकी लड़की का देहांत हो गया भाई, वो ख़त्म हो गई है, पता नहीं क्या हुआ, और उसके छोटे छोटे बच्चे भी छूट गए हैं। तो मैं इसी वजह से बिरों गांव आया था। तो फिलहाल हम वहाँ जा रहे हैं और मैं वहाँ ब्लॉग नहीं बना सकता हूँ, तो फिर मिलते हैं इसके बाद। तो भाई हम अभी खाना खा रहे हैं, यहाँ पे लंच का समय हो गया, और भाई जी का ससुराल है यहाँ पे, और ये हमारी दीदी जी है, और भाई हमारे लिए यहाँ पे खाना रख रहे हैं भाई। हरी सब्जी भी है, मिर्ची भी है भाई, दाल भी है, चावल भी है, और दही भी रखी है। और फिर कह रहे भाई मैंने कुछ नहीं बना रखा है, क्यों बना रहा ब्लॉग। और भाई इतना अच्छा खाना खिला रहे हमें दीदी यहाँ पे, और मुझे अभी खाना खा के निकलना है। और भाई 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 तो दिख ही रहे कहीं, और भाई जहाँ आज पूरे दिन भर मेहमान है भाई, और ये जाएंगे कल। भाई बिरों गाँव से मैं निकलता हूँ श्रीनगर के लिए, और भाई भाई साहब नहीं रहेंगे, ये छोड़ने आएंगे नीचे तक। दीदी जी भाई छोड़ने के लिए आ रहे हैं भाई, 1 बज गई है, मुझे जाना है श्रीनगर, और भाई साहब आराम से माँ के साथ बात कर रहे हैं, मुझे हो गई लेट। ग्राम पंचायत बिरों में ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है पोल्ट्री फार्म और दुग्ध डेयरी की। तो भाई इन लोगों ने आत्मनिर्भर भारत बनाना शुरू कर दिया है, तो आप लोग कब शुरू कर रहे हैं? और बाकी भाई यहाँ से जो हिमालय का नज़ारा है वो भी शानदार दिख रहा है, और ये जो चौखंबा पर्वत है वो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है भाई, और बहुत शानदार लग रहा है। और बाकी जो सड़क दिखाई दे रही है वो केदारनाथ वाली सड़क है, और सड़क के पास जो छोटा सा नगर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये भीरी है भाई, चंद्रपुरी से 8-10 किलोमीटर आगे केदारनाथ रोड पे, और ठीक उसके ऊपर जो ये गाँव दिखाई दे रहा है ये परकंडी गांव है भाई यहाँ तक। और ऊपर जो जंगलों में धार पे जो गांव दिखाई दे रहा है वो है भाई परवाड़ी, और उसके यहाँ थोड़ा सा इधर आ जाए श्रीनगर की तरफ तो ये जो गांव दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जलई गांव है भाई। और इस तरफ चले तो यहाँ पर गैर है ये वाला, और इस धार में भाई कंडारा गाँव है, और उससे आगे क्योंजा है, भणज है, फिर मोनखाल पड़ता है उसी तरफ, पोखरी, फिर गोपेश्वर के लिए भी वहाँ से सड़क जाती है, और बाकी भाई इस तरफ तो चंद्रपुरी, रुद्रप्रयाग, अगस्तमुनि, श्रीनगर, जहाँ मुझे जाना है। तो भाई बिरों गांव से अपने घर के लिए मैं निकल पड़ा हूँ, और अभी मैं बिरों गांव से ही निकला हूँ, इसके बाद बष्टी गांव आएगा, और बष्टी गांव से होते हुए बांसवाड़ा, और फिर निकलेंगे भाई चंद्रपुरी, अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर से सीधे भाई अपने गाँव के लिए।
तो भाई ये है चंद्रपुरी बाजार, और ये जो सड़क है ये केदारनाथ से होते हुए श्रीनगर की तरफ जा रही है, और ये नई सड़क बनी है भाई ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान। और जो चंद्रपुरी का मार्केट है वो इस तरफ है, जो मेन रोड से भाई बिल्कुल किनारे हो गया है, और इस बाज़ार को केवल भाई इस क्षेत्र के लोग जानते हैं, और जो लोग बाहर से आ रहे होंगे वो सीधे इस नई सड़क से होते हुए केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं। और जो ये मार्केट है भाई इसको ये तो बिल्कुल किनारे हो गया, तो ये नज़र में नहीं आ रहा है भाई उतना, तो यहाँ जो भाई क्राउड था वो कम हो गया। अब भाई अभी मैं जिस जगह पे हूँ वो है सौड़ी, ये लगभग अगस्त मुनि से 2-3 किलोमीटर ऊपर केदारनाथ की तरफ, और यहाँ पर सौड़ी का मार्केट है भाई, और ये जो सड़क है वो पहले यहाँ जाती थी, अब ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान ये सड़क बन गई है नई। और यहाँ पर देखो भाई नदी ने कितनी जगह घेरी हुई है, तो केदारनाथ आपदा के दौरान भाई ये बाढ़ आई होगी तो यहाँ पर जो ये नदी है बहुत ज़्यादा फैल गई है, और पहले अलकनंदा नदी इस तरफ आती थी अब उस तरफ चली गई है भाई, और बीच में बहुत बड़ा पत्थर है भाई, वो एक बहुत बड़ी चट्टान है उसके ऊपर मंदिर बना रखा है, और आने जाने के लिए रास्ता कहाँ है यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा है। 2013 में केदारनाथ की आपदा के दौरान भाई ये सड़क भी आपदा की चपेट में आ गई थी, और पहले ये सड़क ऊपर थी और अब नीचे नदी किनारे आ गई भाई, और अब देखो फिलहाल तो ये सड़क ठीक ठाक बन गई है, और जो अगस्त मुनि का स्टेशन है भाई वो यहाँ पर है, ऊपर जो गांव है अगस्त मुनि से ऊपर उनके लिए यहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं, तो अगस्त मुनि और विजयनगर मार्केट को छोड़कर आप लोग यहाँ पर गाड़ी में बैठने के लिए आ सकते हैं, और यहीं पर छोटी गाड़ी लगती है भाई। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ अभी तिलवाड़ा में, और तिलवाड़ा में यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई दुकानों में कंडे, चंगेरे, रिंगाल की टोकरियाँ, सुप्पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, तो जिन लोगों को भी भाई कंडे, चंगेरे, रिंगाल की टोकरियाँ, सुप्पे चाहिए होंगे तो भाई तिलवाड़ा आके आप ले सकते हैं भाई सस्ते दामों में। तो भाई मेरा सफ़र अब जाके पूरा हुआ, और बाहर देखो अंधेरा हो गया, और अब जाके मैं घर में आ रहा हूँ, और ये देखो माँ है, माँ प्रणाम। हाँ अरे चाय जी है भाई, चाय बना, ये मेरे कितनी है भाई, अरे मैं जो है चाय बनाने के लिए ले जा रहा हूँ, चाय बनाने ताजा पानी के लिए जा रहे धारे। तेरा साथ का कहाँ गई हो? मेरे साथ का वही रह गया श्रीनगर, दिव्या आई थी चाचा की लड़की, और दिव्या वही रहेगी श्रीनगर में ही। कितने लेके जा रहे हैं भाई? हाँ और दिव्या वही रहेगी भाई श्रीनगर, और आएगी 3-4 दिन बाद, और मैं तो चला गया था भाई कहीं दूसरे गाँव में बिरो, और भाई चाची तो मेरे ख्याल से ऊपर जा रखी हैं भैंस दोहने के लिए, गौशाले में जा रखी हैं। ऑल वेदर रोड है ना भाई, चाहे आप श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, अगस्त मुनि या फिर गुप्तकाशी तक लगा तो बहुत बहुत बढ़िया है, गुप्तकाशी से आगे केदारनाथ वाली रोड भाई ख़राब है, लेकिन यहाँ से ऋषिकेश तक की जो रोड है वो भी बहुत बढ़िया बन चुकी है, एकदम मक्खन बन चुकी है। मुझे श्रीनगर में कुछ काम था, इस वजह से मैं श्रीनगर में रुक गया, और ये मैं जाते टाइम गेहूँ भी ले गया था पिसवाने के लिए चक्की पे, तो आटा पीस के भी लाया मैं, और भाई अब जाके मैं घर में पहुंचा हूं, तो मैं हाथ मुंह धो के तैयार हो जाता हूं, फ्रेश हो जाता हूं एकदम से, और फिलहाल आज के ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त कर देते हैं, और आप लोगों से अनुमति लेते हैं आज के लिए। तो भाई अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहना, भाई मैं इसी तरह से आप लोगों को ब्लॉग दिखाता रहूंगा और शानदार ब्लॉग दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए आज आप लोगों से अनुमति लेते हैं, और मिलते हैं आपको जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, गुड नाइट, सी यू, टाटा, बाय बाय।